फिर से स्वागत है आप सभी का। और हम लोग बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट वन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने BS PSCL के दो प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और उसके साथ ही बहुत सारे MCQ किए हैं। तो उसी क्रम में हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ 10 सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जितने भी डाउट्स होंगे सब के क्लास चलेंगे। तो एक एक करके डेली आपको अपडेट आएगा। बिना किसी देरी के चलिए सेट 1। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त हुए थे? जयपुर, नागेश्वर, सोते गई रोपड़। तो ये नागेश्वर से प्राप्त हुए थे। एनफील्ड राइफल्स के लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1897 विद्रोह का तात्कालिक कारण था? तो ये हेनरी हार्डंग। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है मेरठ से शुरुआत हुई थी। इसको आप चौतीसवीं रेजिमेंट के थे, मंगल पांडे, बैरकपुर में शुरुआत हुई थी सेना। कारण क्या था कि उसमें चर्बी यूज किया जाता, चर्बी वाले कारतूस गाय का और सूअर का जो है इस तरह किया जाता था धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, तो उसका तत्कालीन कारण था। तो ये हेनरी हार्डिंग। क्वार्ट एक प्रकार का सेल होता है, तो कौन सा? तो रूपांतरित सेल। ठीक है, चलिए। को महान या आंतरिक हिमालय के हिमाद्री के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को जाना जाता है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अमेरिका के संविधान से लिया गया है, DPSP, जो कि 37 से 51, 36 से 51 है, क्योंकि 1235 का मूल अधिकार। उद्योग में शक्ति की इकाई है, तो अश्व शक्ति। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो परमाणु अदृश्य कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न किए जा सकते हैं और नष्ट नहीं किए जा सकते। कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकृति को मौजूद नहीं होती है? जीके जीएस है, देख सकते हैं, बहुत ही टफ लग रहा होगा आप लोगों को, केंद्रक झिल्ली, क्योंकि कॉमर्स में इस तरह के जीके जीएस आपके जो है होश उड़ा देंगे। इस तरह के अगर आ जाएंगे, नॉर्मल नहीं। तो जीके जीएस भी बहुत मायने रखता है। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ देश के कितने शहरों को शामिल कर दिया गया? तो 4,443 शहरों को, ये करंट से रिलेटेड है, उस विकल्प का चयन करें जो संबंध है। तो आरके नारायण उपन्यास और आरके लक्ष्मण क्या है? तो आरके लक्ष्मण कार्टून से संबंधित है। स्टाइल को 81 लिखा जाता है, तो अराइवल। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इन सभी का योग 81 है। ठीक है, आप करके देखेंगे अराइवल। इसी तरह क्रैक का 36 है, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो इसमें आप एक सिंपल सा याद करेंगे, EOT, कोड 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, कोड हो गया। अब तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइड, RIDE। तो देखिए ये D4 पर होता है और ये 5 पर होता है, और EJT हमने बताया था, EJT 5, 10, 15
तो आई आई जे यानी नौ पे है प्लस नौ, और आर 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 एस टी 18 19 20 यानी 18 पे है। जोड़िए 5 4 9 9 18, 18 दूना 36 आ गया, और हमें 36 लाना है। यहाँ पे 36 है करेक्ट का योग 36, तो ये 81 है, ये 81 है, ये 36 है, तो ये भी 36 होगा। तो इन सभी में राइट का योग 36 है। ठीक है, इस तरह क्योंकि समय कम है और आगे बढ़ते हैं, आपको हिंट थोड़ा दे दिया गया। 13 का क्वेश्चन है, महाराजा को ये लिखा जाता है, तो कूट भाषा में रेन ड्रॉप को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये भी देखिए, यम और ए है लास्ट में, तो ए का उल्टा जेड होता है और एम एन, तो अपोजिट वर्ड लिखा गया है। तो आप देखिए आर और पी, तो आर का अपोजिट वर्ड क्या होगा और पी का? इसका करेक्ट आंसर होगा ई एन बी ए यू ई बी सी। ठीक है, ये रीजनिंग सवाल है, आसान है, आप कोडिंग से कीजिएगा इसको। जैसे ए वन बी टू, इस तरह आप इसको कोड कीजिएगा, और उससे नहीं आएगा तो मैचिंग कीजिएगा। जैसे मा हा राजा, ऐसे कीजिएगा। उसके बाद जेड डी एन यू, इस तरह करके मैचिंग कीजिएगा। ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, तो जैसे भी कई सारे मैचिंग बनते हैं, कभी ऐसे चलता है, कभी ऐसे चलता है, कभी ऐसे चलता है, कभी ऐसे चलता है, कभी सिर्फ नीचे चलता है, कभी प्लस वन चलता है, प्लस टू चलता है, प्लस थ्री चलता है, कभी एक का स्क्वायर चलता है, दो स्क्वायर, इस तरह आप इसको कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सीरीज है, इसको करना है सही विकल्प का। तो 4.6 इसी तरह है, 5.2, 5.8, तो देखिए इसमें 5.8 है, यानी 0.6 जुड़ा है, और 4.6 में अगर 0.6 जुड़ा जाए 600, तो ये भी यानी 0.6 जुड़ते जा रहा है। तो 5 में 0.6 जुड़िएगा तो 800 4 हासिल एक 5, 6.4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बहुत आसान है, समय कम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 15 15 का क्रम दिया गया है, और ये क्रम है, और इस क्रम को हमके क्या करना है, नेक्स्ट जो खाली है उसको देखना है कि इसमें क्या आएगा। तो एक बार क्रम ऐसे आया, एक बार क्रम ऐसे आया, एक बार क्रम ऐसे आया, तो जाहिर सी बात है एक बार क्रम ऐसे आएगा। करेक्ट आंसर ये होगा आपका, जो कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, सीक्वेंस पी का अर्थ, क्यों का अर्थ, या आर का अर्थ देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। अब देखिए इसमें भी आसान है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो 2/3, यस का अर्थ क्या है, यस का अर्थ भागा है, भागा है, तो इसको गुणा मानिए। ठीक है, पलट दिया जाता है, 3/1 कर लीजिए, 3 से 3 कट गया, ऊपर 2 आ गया। ठीक है, और क्यों का अर्थ माइनस है, यहाँ पर 7 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जगह कम है, 2/3 भाग गुणा कर लीजिए, इसको पलट दीजिए, 3/1, क्यों का अर्थ माइनस 7, पी का अर्थ है प्लस, और 7 और आर का अर्थ
है घुमड़ा और 5, ठीक है 3 से 3 कट गया, बर्ड मास का रूल होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 7 5 35, 35 ये हो गया, और 2 by 1 - 7 है तो कुछ नहीं है, टू बाई वन माइनस सेवन है तो 1 आ गया, 2 में से 7 जाएगा नहीं तो -5, और 7 5 35, 35 में से -5 यानी 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है, 30 इसका करेक्ट आंसर है। 17 कथन स्कोर दिया गया है। देखिए वीडियो का लंबा होना यही कारण है कि जब आपको एक एक करके समझाया जाएगा और सेट बनाने में समय लगता है। 17 का हर अस्पताल में रोगी है, तो हर निष्कर्ष है एक रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है केवल रोगी अस्पतालों में मौजूद होते हैं जरूरी बात नहीं है, अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं ये भी गलत है, तो न तो निष्कर्ष न ही अनुसरण करता है। जे के अन पंक्ति में खड़े हैं यदि उन्हें सबसे ऊंचे से लेकर खड़ा ना करता है पहले स्थान पर कौन है? 4 लोग हैं जे के अन, जे के अन और जे के अन ओ है, जे के से ऊंचा है, जे के से ऊंचा है, यन इनमें से सबसे छोटा है, यन यहाँ पर के ओ से ऊंचा है, के ओ से ऊंचा है, तो जाहिर सी बात जे के ओ एन हो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कथन 1 और 2 पर्याप्त है, 1 और 3 पर्याप्त है, 1 और 2 सभी पर्याप्त है, तो जाहिर सी बात है सभी कथन 2 को मिलाकर ही इसका सलूशन निकाला जाएगा। तो इस तरह आप देख लेंगे 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ना इसका दिए गए आकारों में कौन सी उत्तर आकृति बनती है? 3 आकृति है और कौन सी आकृति बनती है? तो जाहिर सी बात है इसका करेक्ट आकृति जो है ये वाला बनता है। ठीक है कथन दिया गया है और सभी बलूज भालू हैं, ये भी आसान है थोड़ा, सभी बलूज जो है भालू हैं, इसे निकाल दीजिएगा, सभी दुल्हन भालू हैं, तो सभी दुल्हन भालू हैं, सभी यहाँ पे दुल्हन भालू हैं। ठीक है कौन सा निष्कर्ष सही है? तो कुछ इसका जो है कुछ ब्लूज बच्चे हैं ये आपका सही होगा। ठीक है चलिए ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ब है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो दुर्भिसंधि शुद्ध वाक्य है, असंगत का इति शुद्ध तम उन्नति, तो शुद्ध जो है करेक्ट आंसर है। विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विधेयतापूर्ण भाषण, तो अभिभाषण होगा, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, पार्वती नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है रेखांकित करना है, पद है विशेषण वाक्य है, विशेषता उसकी बता रहा है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, तो मूर्ख धनी व्यक्ति। ठीक है ये गदांश दिया है इसको पढ़ना है, बहुत सारे गदांश है ऐसे आता है, तो इतना फास्ट गदांश में क्या करना है इस तरह पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 9 3 में 9 13 मुहावरे का अर्थ कौन सा लगता है? तो धोखे में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होना, धैर्य सोचना, किसी भी गिनती में न आना, तो जाहिर सी बात है किसी भी
गिनती में ना, 3 का 13 कहीं पर बंधन नहीं रहना। भर्त्सना का तात्पर्य क्या होता है? तो भर्त्सना का तरस होता है निंदा तिरस्कार। लेखक की परेशानी के कारण क्या था? तो ये भावार्थ आप पूरा पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा कि उनके जैसे साहित्य करो और भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। अब चलिए इंग्लिश है, अप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है, मतलब सेम। तो एनोडाइनी का विनिजन होगा और एक्सपेरेट का जो है इनफुरिएट होगा, और अपोजिट बताना है विपरार्थ। तो एपोसाइट का जो है इन एप्रोप्रिएट होगा और मेडल का इग्नोर होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स अप्रोप्रिएट्स, इसका वर्ड बताना है विलिंग टू बी गाइडेड या कंट्रोल, तो इसका एमिनेबल और ये आइडम दिया गया है। ये बैग इग क्या होगा? समवन हु इज डिजोनेस्ट एंड अनरिलेबल, मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ, इंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। नाइदर सैम नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग मीटिंग, तो इसका होगा आर इंटरेस्टेड, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर इसमें है और कॉम्प्रिहेंशन है उसी तरह हिंदी की तरह कॉम्प्रिहेंशन, पढ़िएगा पूरा। चलिए दिखा दे रहे हैं पूरा, इतना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। और नॉट एडवोकेटेड इन द रिपब्लिक, तो इसका इम्पार्टिंग सिमिलर एजुकेशन इन ऑल चिल्ड्रन होगा। स्टेटमेंट क्या है? नॉट ट्रू है। तो द रिपब्लिक वाज रिटेन अराउंड 336 AD। अब कंप्यूटर आ गया 20 नंबर का आपका, 40 से 60 तक। प्रोग्राम के निर्देशों के बाइनरी में दर्शाया गया है, संग्रहित किया, जिसमें CPU द्वारा डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। तो किसमें? मेमोरी, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है तो निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न होता है आकार। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट, कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो 256 पोर्ट होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम कंप्यूटर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुडलेख को पढ़ने के लिए यह गया था, तो उसका कॉलेसस होगा। माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये आपका ऑप्टिकल माउस। बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खोने वाली मेमोरी, तो कौन है? वोल्टाइल मेमोरी। देखिए दो प्रकार से मेमोरी है, रैम और रोम, रैम और रोम होती है। तो एक अस्थाई होती है टेम्प्रोरी, एक अस्थाई होती है। तो रैम अस्थाई होता है और एक वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल होती है, उसी को कहा जाता है। तो चूंकि रैम और रोम होता है, वोलाटाइल मेमोरी नॉन वोलाटाइल उसी को कहा जाता है, ठीक है। अस्थाई और अस्थाई। CPU द्वारा किस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं किया जाता है? इसके बजाय मेमोरी से प्राप्त डेटा पहले ही रैम में लोड होता है, प्रोसेसर को भेजा जाता है। तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी मेमोरी। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जो प्रोग्राम है वो सब सॉफ्टवेयर ही है। तो निर्देशों का एक सेट है जो प्रोग्राम है, जो हार्डवेयर को चलाने में क्या है सक्षम होता है। हार्डवेयर जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। और कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका जो है, यदि आप वायरस मालवेयर स्लोड से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लाइनस आदर्श ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यदि इसका करेक्ट आंसर है। बिना किसी देरी के चलते हैं। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, तो जाहिर सी बात है असेंबलर इंटरप्रेटर कंपाइलर, तो कंपाइलर होगा कि
मशीनी लैंग्वेज में क्या है कन्वर्ट कर देता है। पाइथन के अंदर डेटा पर करके संदर्भ में अल्पविराम द्वारा अलग अलग आइटम का एक क्रम दिया गया है, उसको क्या करना है संलग्न है इसमें, तो टपल में सब आता है ठीक है। कंप्यूटर वगैरह तो इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम क्या है एक्सकेल, तो स्ट्रक्चर क्यूरी भाषा ठीक है। कौन सा रजिस्टर डेटा के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है, सीपीयू में आ रहा है डेटा स्थापित करता है, तो जाहिर सी बात है मेमोरी बफर रजिस्टर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा कथन गलत है, तो एकल पृष्ठ के संग रोमन और भी दोनों का नहीं हो सकते हैं, गलत है। और एक्सेल का कौन सा फंक्शन चयनित डेटा अधिकतम मूल्य देता है, तो डी मैक्स। पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो प्लेस होल्डर। और इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी, तो अमेरिका के सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। अब चूंकि ईमेल एड्रेस में का कौन सा ऐसा डोमेन नेम कहा जाएगा, तो .com जो है डोमेन नेम होता है। कौन सा केंद्र हब का तत्काल उत्तराधिकारी है, तो स्विच। कौन सा सब मॉलिशियस दुर्घटनापूर्ण सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इसका जो है आपका फोर्क बम होगा। अब देखिए इसमें कौन सी मदद लाभ और हानि, 40 नंबर का आपका अकाउंट है वो आ गया लास्ट, और कौन सी मदद लाभ और हानि खाता हम डेबिट पक्ष में दिखाई जाएगी, तो देखिए इसमें मामला बहुत पेचीदा है। और वेजेज जो है मजदूरी ये ट्रेडिंग में जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है पीएल में जाएगा, और रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन उत्पादन पर पीएल में जाएगा, रॉयल्टी ऑन उत्पादन प्रोडक्शन पर है ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो लाभ हानि खाते का डेबिट पक्ष में जाएगा। तो हम कह सकते हैं व्यवसाय में लाभ होता है, कब लाभ होता है, जब जब लाभ कब होता है, जब पर संपत्ति देनदारों से अधिक है, नहीं आय व्यय से अधिक है, व्यय से अधिक आय जब है तभी ना लाभ होगा, मतलब आय ज़्यादा है खर्चा कम है, आय देनदारियों से अधिक है नहीं, पर संपत्तियाँ व्यय से अधिक है नहीं ठीक है। लाभ कब होगा, जब ज़्यादा आय होगा खर्चा कम होगा। कैशियर है और वेतन के रूप में 100 रुपया उसके निजी खाते से डेबिट कर दिए गए थे, कैशियर धवल को, तो जब वेतन है निजी खाते से डेबिट कर दिए थे, सुधारांत तो प्रविष्टि क्या होगी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवल अकाउंट, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, ₹100 उनके निजी खाते से डेबिट किए गए थे, कैशियर धवल को वेतन के रूप में दिए गए ₹100 उनके निजी खाते से डेबिट कर दिया गया था, तो हमने लिख दिया था धवल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। यस यस, इस तरह तो धवल के अकाउंट को खरीद किया जाएगा यहाँ पे ₹100 ठीक है। चलिए और शेष परीक्षण तो नियुक्त किया जाता है, ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है, एक सप्ताह, एक माह, एक तिमाही, एक वर्ष, तो ट्रायल बैलेंस जो है बेसिकली एक वर्ष में बनाया जाता है। एक कैशियर धोखाधड़ी कब कर सकता है, जब रोकड़ बही के भुगतान पक्ष को ओवरकास्ट करना है, अधिक दिखाता है, ओवरकास्ट करता है। कौन से बैंक समाधान विवरण की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, यह खातों की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, यह प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बाकी यह विवरण है किसी भी समय तैयार किया जा सकता है, और यह बैंक बैलेंस के बीच अंतर का कारण बताया जाता है कैशबुक पर, तो सही बात है। यह व्यवसायी बनाता है कैशबुक और पासबुक के मैचिंग के लिए अपने
लेन देन को सही से जानने के लिए व्यवसायी बनाता है और कभी भी बना सकता है। यह न कैश बुक पासबुक का किसी का हिस्सा नहीं है। ममता त्यागी की जानकारियाँ दी गई है, पासबुक के अनुसार इतना था और रोकड़ भाई के अनुसार बैंक से क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, जानदार है और समय लगता है, वीडियो लंबा होने के कारण यही सब होता है कि आपको अगर डेप्थ चाहिए, हर चीज़ को समझाना होता है तो थोड़ा समय लगेगा। देखिए पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस इतना दिया है, तो पासबुक का दो बैलेंस हो सकता है, एक डेबिट और क्रेडिट। कैशबुक का दो बैलेंस हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट हो सकता है या क्रेडिट होता है। तो पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो हमारे लिए ओवर ड्राफ्ट है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो हमारे लिए जो है फेवरेबल है, और ये डेबिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल है। इसी तरह कैशबुक का डेबिट बैलेंस है तो हमारे लिए फेवरेबल है, क्रेडिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल है, ठीक है। अब देखिए पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस दिया है 10,000 रुपया, तो समझिए ये क्रेडिट बैलेंस है, 10 के है और ये हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। अब लाभांश का 2,000 रुपये बैंक द्वारा एकत्रित किए गए थे, तो लाभांश का 2,000 रुपये बैंक के द्वारा एकत्रित किए गए थे, तो बैंक क्या किया होगा, लाभांश मिला होगा तो जोड़ दिया होगा, हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे, ठीक है। लेकिन रोकड़ बही में 200 रुपया मात्र दर्ज कर लिए गए, तो रोकड़ बही में मात्र कितना, 200 रुपया दर्ज किया गया, तो हम क्या करेंगे 1800 से घटा देंगे, ठीक है, -1800 करेंगे, तो 10 एक मिनट इसको क्वेश्चन हाँ, तो 10,000 में हम 1800 घटाइए, 10,000 में 2,000 घटा दीजिए ना मोटा मोटी, तो 8,000 बचेगा और 200 रुपये और जोड़ दीजिए तो 8,200। देखिए कहने का मतलब है, अब आप यहाँ पे रोकड़ भाई का शेष में आ गए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप पासबुक से चलते हैं तो जो भी छेड़छाड़ होगा, जो भी सुधार वगैरह करना होगा तो पासबुक में करेंगे, कैशबुक में नहीं, और पासबुक से जाते हैं तो कैशबुक में पहुंच जाते हैं हम बैलेंस, और कैशबुक से बनाते हैं तो पासबुक में चल जाते हैं, तो हमें कैशबुक में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, हमें छेड़छाड़ कितने करना है पासबुक में। तो चूंकि यहाँ पासबुक का बैलेंस दिया है 10,000 रुपया, ध्यान से देखिएगा, और उसमें लाभांश का 2,000 रुपया बैंक द्वारा एकत्रित किया गया है, बात सही है, इसको हमें जोड़ना चाहिए 2,000 रुपया, 12,000 रुपया होना चाहिए, लेकिन कैशबुक में मात्र 200 रुपया किया गया है, तो चूंकि कैशबुक में हमें छेड़छाड़ नहीं करना है तो बैलेंस तो दोनों बराबर होना चाहिए, ये और ये, तो बैलेंस बराबर करने के लिए हमें 200 रुपया तो लिख दिया है, तो हम 2,000 लिखे हैं तो हमें 1,800 रुपया घटा देना है, इस तरह लॉजिक समझना है, तो ये 8,200 होगा आपका करेक्ट आंसर। थोड़ा समय दीजिएगा, हर चीज़ डाउट्स क्लियर हो गया, एकदम एक एक करके बेस्ट समाधान दिया जाएगा। अब चलिए एक बैंक समाधान भी बढ़ाया जा रहा है, यदि आप रोकड़ भाई के डेबिट सेज को लेकर चलते हैं तो आप अवधि के दौरान निम्नलिखित किए गए, अब देखिए यहाँ पर दिया रहा है कैश बुक के डेबिट बैलेंस को लेकर चलते हैं जो फेवरेबल होता है हमारा कैश बुक का, और तो अवधि के दौरान निर्गमित किए गए इशू किए गए चेक किंतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जब चेक इशू करते हैं तो हम अपना बैलेंस क्या है घटा देते हैं, अब हम पहुँचा नहीं है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, एडिट जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह आप लॉजिक समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा, किसी लेखा अवधि पर ब्याज का निर्धारण किस सिद्धांत पर किया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये भौतिकता के आधार पर किया जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत खर्चों को आधार पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में नहीं किया जाता है, क्योंकि व्यवसाय अलग है और व्यवसाय का स्वामी अलग है, ठीक है। लेखा परीक्षण का अर्थ क्या है, लेखा परीक्षण का अर्थ यही है कि यह परीक्षक किसी विशेष अवधि के तैयार किए जाते हैं वित्तीय खाता के प्रमाणिकता से खुद को संतुष्ट करता है, ऑल ऑफ द होगा, ठीक है। यह खातों के एक बुद्धिमान और अलक्षण परीक्षा है, स्वतंत्र योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है,
मतलब जो ऑडिटिंग किया जाता है निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा, थर्ड पार्टी द्वारा किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो कि ईमानदार हो, ऑनेस्टी हो, सभी योग्यताओं को पूरा करता हो। तो ये चार चीज़ें हैं। और कौन सा लेखा परीक्षा का उदाहरण नहीं है? तो हिंदू अविवाहित परिवार नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, जीवन बीमा 2013। चलिए, किस प्रकार का अंकेक्षण वर्ष भर चलता है? तो किस प्रकार का अंकेक्षण, तो कंटिन्यूअस ऑडिट जो है साल भर चलता है। ठीक है, कौन भाउचर के प्रकार का उदाहरण है? तो भाउचर के प्रकार का उदाहरण जो है खरीद मांग पर्ची है, खरीद चालान है, गेट कीपर नोट, बैंक भुगतान, सभी है। भाउचर सभी एक प्रकार का क्या है, रसीद मिलता है, तो वही है। वेतन शीर्षक तो कर योग्य है, समझ में कौन पूरी तरह से कर योग्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है, तो बालक शिक्षा भत्ता जो कर योग्य नहीं है। अब आप बताइएगा कितना दिया जाता है, 200 कि 300, ठीक है, कि 100 रुपया, आप इसको बताएंगे कमेंट में। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि 5 हेड होता है सैलरी टैक्स का निकालने का, और कटौतिया है 60,000 पे कर देता है। देखिए, इसमें नेट आय दिया है 6 लाख रुपये कर देते हैं, तो टैक्स का सवाल है। और तो ये तो निकालना पड़ता है, जैसे प्रेजेंट रेट में क्या है, 3 लाख तक 0% है, कुछ नहीं है। उसके बाद 3 से 6 है, 6 से 9 है, 9 से 12 है, और 12 से 15 है, और फिर 15 से 2 है। तो 0%, 5%, 10, 15, 20, 30% इस तरह है, तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसको आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, और टीडीएस है के प्रावधान में, तो कुल 15,000 से पारिश्रमिक अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 15। कौन सा पीस रेट प्रणाली का प्रकार नहीं है? तो फ्लैट टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, जीरो बेस तकनीक की गई थी, तो पीटर ए फायर के द्वारा। जस्ट इन टाइम नाम जापान में आरंभ हुई, तो आवक के द्वारा अनुकूलन करने पर। कौन सा उद्योग द्वारा कार्य लागत निर्धारण की संभावना है? तो लेखा परीक्षा फर्म के द्वारा। ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई के द्वारा लगने वाली अतिरिक्त लागत क्या कहलाती है? तो मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एक कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, क्या है कंपनी, बार बार बताया गया, कृत्रिम व्यक्ति होता है, अनवरत चलता रहता है। और ये देखिए शेयर वाला, बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगाइएगा, आराम से प्रैक्टिकल बना दीजिएगा। चलिए हम इसको समझा ही देते हैं। 84, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 10 रुपया के 5,000 संतान जारी किए, जो आवेदन पर 2, आवंटन पर 3, पहली कल 2, अंतिम प्रथम याचना, प्रथम याचना राशि की प्राप्ति के पश्चात समय बैंक खाते में डेबिट की जाने वाली राशि होगी। तो प्रथम याचना को देखिए आप कितना है, पहली काल है 2 रुपये है, और शेयर है कितना, 5,000। तो जाहिर सी बात है 5,000 है शेयर, और 2 रुपया हमें आ रहा है प्रथम कॉल पे, तो 10,000 रुपया आएगा। तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और फिर शेयर फर्स्ट अकाउंट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलिए खाते के शेष को चिट्ठी में प्रदर्शित किया जाता है, ऑन सराउंड जब खाते को प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस जो राशि हम जब्त किए रहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में भेज देते हैं।
अब बताएंगे रिजर्व सरप्लस किसमें जाता है। ऋण पत्र पर ब्याज की गणना की जाती है तो क्या है, तो फेस वैल्यू पर, अंकित मूल्य पर। जब कोई कंपनी किस उसकी आय से नियत राशि का प्रदर्शन प्रदर्शित करता है तो डिविडेंड पे आउट पॉलिसी कहलाता है। और कौन सा जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है, तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं आता है। ठीक है, कार्यशील पूंजी के, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्क कर एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये उग्रवादी नीति का पालन करता है, इसके द्वारा किया जाता है। और देखिए ये लेखांकन का प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, इसमें डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किया जाता है। ठीक है, और पुस्तकालन व्यापारी को व्यापार को मध्य रूप में कला है। तो स्पाइसर एवं पेगलर द्वारा, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस क्या प्रदर्शित करता है, ट्रायल बैलेंस क्या पड़ता, तो खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता, अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ठीक है, साख पत्र गारंटी वायदा संविदा आदि निम्नलिखित किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब बैंक की तुलना से हटकर अन्य मदों में आते हैं। ठीक है, और कौन सा एक अमूर्त संपत्ति है, अब देखिए अमूर्त संपत्ति कौन सा है, यहाँ पर नहीं है, यही हम लोग कन्फ्यूजन कर, नहीं है तो गुडविल है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स है, डेटर नहीं है। डेटर क्या है, करेंट एसेट्स है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर शेयर जारी करने का प्रतिबंध लगाया गया है, धारा 78। ठीक है, कंपनी को बनाए जाने वाले चरणों का क्रमबद्ध करें, तो सबसे पहले क्या करती है कंपनी, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, निगम चरण है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, पार्षद सीमा नियम क्या है, तो ये कंपनी का एक चार्टर है जिसमें सभी उल्लेख रहता है, हर चीज प्रलेख जिसमें कंपनी का आंतरिक प्रवर्तन। तो ये क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी सचिव के अधिकारी को तहत नहीं आता, कौन सा चीज़ नहीं आता है, कंपनी के समापन के समय भी अधिमानी ऋणदाता के रूप में ये आपका नहीं होगा। ठीक है, और जीएसटी बिल कब आया, कौन सा संशोधन था, तो 101वां, और ये आपका कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट 1 100 क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट में बताएंगे और सॉल्व किया जाएगा, और मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। डू एंड बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स।